अगली खबर रीवा से है, जहां सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक इमारतों में से एक वेंकट भवन परिसर की साफ सफाई का कार्य किया जा रहा है। रीवा नगर गौरव दिवस के क्रम में इस सुंदर और आकर्षक भवन के परिसर की साफ सफाई कराई जा रही है। रीवा के इतिहास, विंध्य की धरोहरों से संबंधित चित्रकला, नारा लेखन, निबंध लेखन तथा अन्य प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। इसी परिसर में लाडली लक्ष्मी बेटियों का सम्मान समारोह भी आयोजित किया जा रहा है। रीवा नगर निगम के महापौर अजय मिश्रा ने परिसर में चलाए जा रहे स्वच्छता अभियान का जायजा लिया। इस दौरान जिले के आला अधिकारी मौजूद रहे। पत्रकारों से चर्चा करते हुए महापौर अजय मिश्रा ने कहा कि शीघ्र ही वेंकट भवन की ऐतिहासिक सुरंग को आम जनता के लिए खोला जाएगा। राजेश मिश्रा जी, आप जी राजेश मिश्रा चतुर्वेदी जी, आप भी आइए। ये आज नगर गौरव दिवस का पखवाड़ा चल रहा है हमारे यहाँ रीवा नगर निगम में, और ये वेंकट भवन हमारी पुरातत्व धरोहर है और इसके संरक्षण का काम नगर निगम बहुत बाखूबी कर रहा है। ये एक ऐसी ऐतिहासिक धरोहर, इसके नीचे सुरंग भी है। इसको इस बार ये हुआ है कि नगर गौरव दिवस के उसपे इसमें जो ये हम पखवाड़ा चला रहे हैं, इसमें वेंकट भवन के संरक्षण और साफ सफाई की सारी व्यवस्था नगर निगम के हमारे जो अधिकारी कर्मचारी हैं, सफाई कामगार हैं, सफाई मित्र हैं, वो सब लोग कर रहे हैं और जिला प्रशासन भी इसमें सहयोग कर रहा है। हमें पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में वेंकट भवन उसी रूप में आ जाएगा जिस उद्देश्य से बनाया गया था और लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। सुरंग कई दिनों से मांग थी खोलने के लिए लोगों की। सुरंग पहले खुली भी थी, बीच में बंद हो गई, रख रखाव के कारण जो चीज़ें गड़बड़ हुई हैं उसके लिए फिर से प्रयास चालू है और बरसात के बाद ये फिर से चालू कर दी जाएगी।